तो ये है प्रॉब्लम, पहले दिखा देता हूँ, बाद में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखाने के लिए मुझे 10 मिनट्स जो है वीडियो को मतलब पॉज करके रखना पड़ता, इसलिए मैंने पहले ही चला के रखा बोर्ड। जब 10 मिनट हुआ तब आप देख सकते हो, ये है जो है बोर्ड, पहले दिखा दूँ, इंटेल का DH ये देख सकते हो 55PJ। तो ये है 5th जनरेशन का एक मदरबोर्ड, जो इसमें देख सकते हो ये है इंटेल Core i3 CPU 540, मतलब 5th जनरेशन का है। तो ये जो है 10 मिनट्स चलने के बाद बोर्ड जो है, अभी दिखाता हूँ मैं, जो स्टार्ट हो रहा है, और ये है इसका कीबोर्ड। अब देख सकते हो ये कीबोर्ड में नम लॉक जो है ये बंद, कीबोर्ड ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, और इसका जो बायोस है ये कोई भी काम नहीं करेगा। ये देखो कीबोर्ड में एरो प्रेस कर रहा हूँ पर कुछ भी काम नहीं करता। तो मैं और भी क्लियर दिखाता हूँ, तो ये देखो ये जो एरो है कीबोर्ड के साथ लगा हुआ है, तो ये मैं प्रेस करूँ तो ना तो ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो ये ऐसे स्टक हो जा रहा है 10 मिनट बाद। तो अभी बातचीत करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है एक प्रॉब्लम, अनोखा सा, पर इस टाइप का प्रॉब्लम देख सकते हो, अभी भी बोर्ड वैसे ही चल रहा है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, फिर से खोलना पड़ेगा मुझे। तो देखो ये जो बोर्ड है अभी भी चल रहा है, और ये देखो मैंने SMPS को ऑफ कर दिया तो बोर्ड ऑफ हो गया, और ये भी ऑफ हो गया। तो देखो फिर से हम चलाएंगे तो फिर से ये चलेगा, देखते हैं। ये देखो फिर से चला दिया, कोड वेरिएशन हो रहा है, ये टैग करके बीप दिया, अभी डिस्प्ले इसका आएगा। देखो ये देखो डिस्प्ले आया है, तो अभी F2 प्रेस करता हूँ मैं, सॉरी प्रेस करना भूल गया जल्दी से। तो एक बार कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाता हूँ, देखो कीबोर्ड से मैंने रिस्टार्ट किया और फिर F2 दबा रहा हूँ, ये देखो बायस में घुस गया, ठीक है। तो अभी देखो बिंदास इसका जो है कीबोर्ड, मतलब ये देखो काम कर रहा है बायस, तो 10 मिनट होगा तो पहले जैसे दिखाया वैसे हो रहा है। तो अभी बात करते हैं, ठीक है। तो यही है प्रॉब्लम, तो अभी भी देख सकते हो बोर्ड चल रहा है, डिस्प्ले है, अभी बिंदास कीबोर्ड काम करेगा, पर 10 मिनट्स होने के बाद जो है ये बोर्ड स्टक हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जनरली हम क्या करते, जो काम करते, पहले तो हम ढूंढना चालू कर देते हैं कि बोर्ड में कहाँ कोई पोलर कैपेसिटर या फिर नॉन पोलर कैपेसिटर जो है SMT कैपेसिटर वो शॉर्ट है कि नहीं। अगर शॉर्ट हो तो ऐसा होता है, पर कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट हुआ, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैपेसिटर अगर आपका कोई शॉर्ट है, कैपेसिटर अगर आपका कोई शॉर्ट है तो बोर्ड 10 मिनट बाद जाके स्टक नहीं होगा, ठीक है। मतलब 2-1 मिनट के अंदर हो जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये एक समझने का बेहतर तरीका है। अगर बोर्ड में आपका कैपेसिटर के वजह से स्टक हो रहा है, मतलब स्टक हो रहा है, तो फिर आपको समझ जाना है कि कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो 1 मिनट या फिर 2 मिनट के अंदर आपका बोर्ड जो है मतलब हैंग हो जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा, मतलब 10 मिनट बाद ऐसे नहीं होगा। तो 10 मिनट बाद हो रहा है मतलब क्या हो सकता है, और इस बोर्ड में कैपेसिटर का कोई रीज़न नहीं है जो जिसके वजह से ये स्टक हो रहा है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हालांकि सबको पता है कि कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से ये जो मतलब SMD कैपेसिटर है, मतलब पोलर कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर जो है, ये अगर शॉर्ट हो जाए तो मतलब कोई भी ख़राब हो, ऊपर से मतलब फूल गया है, तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आता है, पर इस बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ यहाँ पर देख सकते हो एक कैपेसिटर है जो कि बहुत सारा बोर्ड जो ये ख़राब नहीं है, बहुत सारा बोर्ड एक बार में आता है, लॉट में 10-20 बोर्ड आता है, तो ये किसी बोर्ड के ऊपर किसी बोर्ड का प्रेशर हो जाता है तब जाके कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा। तो अभी डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों ये प्रॉब्लम होता है, क्यों ये प्रॉब्लम होता है। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इस बोर्ड में क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बताने के लिए मुझे फिर से ये बोर्ड को और एक बार चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक चीज़ नोटिस किया इस बोर्ड में, जैसा आया बोर्ड वैसा ही है, देख सकते हो कितना डस्ट वगैरह है बोर्ड में। अभी मैंने क्लीन नहीं किया, पर मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया, मैं सिंपली देख रहा था कि इसका मतलब ब्रिज हीट हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है कि नहीं, बस मैं वही चेक कर रहा था, पर कैपेसिटर पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट बाद स्टक हो रहा है मतलब कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। तो मुझे ये जो PWM IC है ये बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है, बहुत ज़्यादा,
अभी मैं कैसे दिखाऊं, तो कोई भी एक टेम्परेचर मीटर गिफ्ट कर दो मुझे, तो मैं इजीली दिखा पाऊंगा। ये देखते हैं, कोई गिफ्ट नहीं करेगा तो खुद ही खरीदना पड़ेगा। अब कंपोनेंट खरीद खरीद के क्या हो रहा है कि सारा जो सेविंग्स था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि हर रोज अपग्रेडेशन हो रहा है और कुछ ना कुछ मंगवाना ही पड़ रहा है, या तो आईसी हो या फिर टूल्स हो। तो देखो अभी एक बार चलाते हैं बोट को, सिंपली एक कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, बस फैन को फॉलो करो। और ये देखो चला दिया, ये ऑन हो गया, बोर्ड में पावर दे दिया, ऑन हो गया। तो डिस्प्ले भी आ गया, टक करके एक बीप दिया, ठीक है। तो ये जो PWM IC है, ये बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि PWM IC जो हिट हो रहा है, IC हमारा ख़राब है, क्योंकि अगर IC खराब होता तो बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता और 10 मिनट तक चलता भी नहीं। तो मैं कैसे दिखाऊं, पास लाना पड़ेगा और भी। क्लियर हुआ? ये देखो ये कितना हीट हो रहा है, देख सकते हो क्लियरली जो है। ये देखो बीच में जो बबल्स आना चालू हो गया, मतलब देखो देखो ध्यान से देखो, और भी पास से देख लो ये कितना हीट हो रहा है, ऐसे आपको खुद पता। ये देखो सारा जो लिक्विड है वो खा लिया, फिर से दूंगा देखो खा लेगा। बोर्ड में अभी डिस्प्ले है, चल रहा है बोर्ड, बोर्ड बिंदास चल रहा है, डिस्प्ले है, वो भी मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले है कि नहीं, ठीक है। कीबोर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, अब देखो डिस्प्ले इस बोर्ड में है। ये देखो कीबोर्ड इंसर्ट कर दिया, ये देखो डिस्प्ले है, ठीक है। तो बोर्ड चल रहा है, मैंने लिक्विड डाला तो सारा लिक्विड जो है वो मतलब वैनिश हो गया। ये देखो इतना डाला, थोड़ा सा वेट करो, ये सारा वैनिश हो जाएगा। ये इतना हीट है, हीट हो रहा है ये IC PWM IC। तो हर वक्त मान के चलो बोर्ड स्टॉक हो रहा है, मतलब कैपेसिटर के वजह से नहीं होता है, कुछ कुछ कंपोनेंट भी शॉर्ट हो जाता है। और बोर्ड में अगर बहुत सारा डस्ट है तो आपको पहले तो पहला स्टेप तो क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को, फिर जाके देखो ये पूरा मतलब वैनिश हो चुका है। तो मैं बोर्ड को ऑफ कर देता हूँ, ज़्यादा ऐसे बार बार करूँगा तो शायद ये IC भी ख़राब हो जाए। तो अभी स्टॉक में मेरे पास इसका कोर IC नहीं है। तो ये बोर्ड हम रेडी करेंगे कैसे, सिंपली कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि हर बार कैपेसिटर शॉर्ट होने पर से ही बोर्ड स्टॉक नहीं होता है, और कैपेसिटर शॉर्ट अगर है तो बोर्ड स्टॉक होगा आपका 2 से 3 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर अगर बोर्ड स्टॉक हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका बोर्ड में या फिर ब्रिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, जो पोलर कैपेसिटर है वो शॉर्ट है, या फिर SMD में भी शॉर्ट हो सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि 10 मिनट बाद अगर बोर्ड स्टक हो रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम है, या फिर डस्ट के वजह से हो सकता है, या फिर कोई IC रिसोल्ड मतलब डाइसोल्ड है, मतलब रास्ट है, तो ऐसा हो सकता है। तो अभी वीडियो को हम पॉज करेंगे और इस बोर्ड को बाहर ले जाके अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर हम लौटते हैं। उसके बाद फिर से चला के देखेंगे कि IC हीट हो रहा है कि नहीं। अगर IC का हीटिंग नॉर्मल है तो 10 मिनट क्या 10 घंटे चलेगा तो भी बोर्ड स्टक नहीं होगा। हमें बस फॉलो करना है, 2 मिनट 3 मिनट देखना है कि IC का हीटिंग जो है वो नॉर्मल हुआ कि नहीं। तो अभी हम पॉज करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखो ये जो है प्रॉपरली मैंने बोर्ड को अभी क्लीन कर दिया है, पर यहाँ पर कोई भी अभी डस्ट नहीं है और अच्छे से मैंने क्लीन किया। तो अभी एक बार इसको चला के देखते हैं कि इसका कुछ स्टेटस क्या है, कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं, और जो IC हीट हो रहा था वो IC हीट सेम हो रहा है या फिर क्या है देखना है। और थोड़ा सा हमें रिप्लो करना है इसको, IC को। पहले हम नॉर्मली क्लीन करने के बाद हमने इसे थिनर डाला, पहले डस्ट को हटाया और थिनर डाल के थोड़ा सा क्लीन किया लिक्विड डाल के। अभी एक बार चला के देखना है सिंपली कि सेम हीट हो रहा है कि नहीं, उसके बाद थोड़ा सा रिप्लो करना है। अगर फिर भी सॉल्व आउट नहीं हुआ तो 100% में 200% आपका जो PWM IC है वो ख़राब है और उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर IC ख़राब निकला तो वीडियो वहीं तक एंड हो जाएगा, क्योंकि ये IC जो है मैंने पहले ही कहा कि ये IC हमारा पास स्टॉक में नहीं है अभी। और अगर ये कहा गया डिबग कार्ड, तो डिबग कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली से चलाते हैं बिना रैम के चलाते हैं, क्योंकि डिस्प्ले तो इसमें प्रॉपरली आ रहा था। और कहाँ रखा इसका रैम, ये एक रैम लगा देते, ब्लैक वाला रैम कहाँ रख दिया, यहाँ
यहाँ पर घुस गया। तो रैम भी लगा देते हैं और देखते हैं अभी हीटिंग का क्या इशू है। तो ये पावर मैंने दे दिया और ये देखो अभी बीप करेगा, अगर डिस्प्ले आएगा तो मैं ट्रिगर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, ये देखो बीप दिया टैग करके, मतलब डिस्प्ले आ चुका है। तो अभी हमें देखना है ये जो आईसी का हीटिंग है वो सेम है या फिर कम है। तो हीट तो हो रहा है पर देखते थोड़ा सा चले और, क्योंकि अभी तो मैं फिर से एक बार बीप दिया, सुना होगा आपने। तो देखो भाई ये जो आईसी है वो आईसी का हीटिंग है वो कम नहीं हुआ है, वो मैं पास से दिखाता हूँ। आईसी का जो हीटिंग है वो जैसे था वैसे ही है अभी भी। तो देखो ये फिर से मैं लिक्विड डाल रहा हूँ, ये डाल दिया तो देखो ये लिक्विड ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब बैनिश हो जाएगा देखो। तो देखते कितना जल्दी ऑब्जर्व करता है ये। तो हीट तो हो रहा है आईसी, बहुत हीट हो रहा है, पहले से थोड़ा सा कम हो रहा है मेरे ख्याल से, देखते फिर भी नहीं हो रहा है। देखो अभी धीरे 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 ऑब्जर्व हो रहा है जो हमारा लिक्विड था, अब देखो जल्दी से हो रहा है ऐसी हीट होना, ज़्यादा हीट होना चालू हो गया ऐसी। देखो क्लियर देख सकते हो, ये ब्लार क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये जो हमारा लिक्विड था वो ऑब्जर्व कर लिया टोटली, ये पूरा कर लेगा, थोड़ा सा है वो भी कर रहा है। तो हमारा जो हमने ये ऑफ कर देता हूँ, जो हमने क्लीन किया अभी उससे काम नहीं बना। तो अभी क्या करेंगे इसको, थोड़ा सा क्या करेंगे इसको, हम हीट अप करेंगे और रिप्लो करके देखेंगे, क्योंकि कभी कभार होता है इसका अंदर में जो आईसी का अंदर में जो सिलिकॉन होता है ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर देता है, और पिन से भी प्रॉब्लम आता है, क्रिएट होता है, क्योंकि ये पिन जो है अंदर से मतलब डाइसोल्ड हो जाता है, तो कभी कभार ऐसा होता है। तो चलो लगे रहो साथ में, बने रहो, देखते हैं थोड़ा सा हीट अप करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई इसको चेंज करना पड़ेगा, और आगे की कार्रवाई अभी तो नहीं होगा, क्योंकि होगा शायद हो भी सकता है, मेरे पास स्क्रब हो सकता है, मैं डेफिनेटली कह नहीं सकता कि इसका स्क्रब नहीं होगा, पर देख सकते हो हालात, यहाँ से ढूंढ के निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो निकलना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं जो आसान तरीका है उसे अप्लाई करके देखते हैं, अगर उससे हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो इसको चेंज कर देंगे, और अगर नहीं मिला तो एक ऑर्डर कर देंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा 3-4 दिन ऑर्डर करेंगे। ये आईसी अवेलेबल मिलता है एसपीआर सेल में, ठीक है। आपको अगर चाहिए, पता नहीं है ये आईसी कहाँ पर मिलता है, तो spsl.com में जाओ, सारा डेस्कटॉप लैपटॉप का आईसी वहाँ पर मिल जाएगा, पर प्राइस बहुत हाई है, क्योंकि 81 का कोर अभी 1000 हो गया spsl.com में, जो गीगाबाइट का 81 बोर्ड आता है उसका जो ISL95812 होता है कोर आईसी PWM IC, उसका प्राइस देखो जाके spsl में 1000 पर आईसी। तो एक बोर्ड रिपेयर करके कितना चार्ज करोगे, 1500, तो कोई नहीं देगा ना। तो कुछ कुछ आईसी होता है जो हम सेला बाहर जो ऑफलाइन सेला से मंगवाता है, और दिल्ली में मेरा जान पहचान का एक आदमी है, फ्रेंड है, उससे मैं बोलता हूँ, वो कभी कभार भेज देता है आईसी, तो वो कहाँ से परचेस करके भेजता है वो मुझे पता नहीं, पर भेज देता है, कुरियर कर देता है। तो देखो हमने थोड़ा सा इसको रिप्लो किया है अभी, थोड़ा सा ठंडा होने को देंगे और ये जो है सरफेस को क्लीन करेंगे थोड़ा सा। कहाँ गया मेरा लिक्विड, इधर। तो कभी कभार ये होता है कि इसका जो आसपास में कैपेसिटर होता है जो एसएमडी में, ये आईसी के आसपास में, ठीक है, तो ये भी शॉर्ट हुआ, तो ऐसा होता है। तो हमने चेक किया है, पहले स्टेप पे चेक किया था, पर यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं मिल रहा है, शॉर्ट नहीं है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आईसी ही ख़राब हो सकता है, या फिर, तो अभी फाइनल नहीं कह सकते, तो इस बार चलाने के बाद हम फाइनल
कहेंगे कि आईसी खराब है या फिर क्या है। तो बने रहो, देखते हैं ये आईसी शॉर्ट है, खराब है या फिर अभी अगर ठीक हो गया तो थोड़ा सा हिट करके। तो एक चीज मैंने क्या बताया वो दूसरी बार और एक बार बताता हूं, अगर कैपेसिटर रिलेटेड शॉर्ट है आपका तो आपका बोर्ड 1 मिनट से लेके 3 मिनट के अंदर आपका बोर्ड स्टॉक होगा, अगर कैपेसिटर से ही हो रहा है या फिर पोलर कैपेसिटर हो या फिर एसएमटी कैपेसिटर हो। क्योंकि कैपेसिटर से अगर नहीं हो रहा है तो आपका ये जो ब्रिज है पीसीएस रिलेटेड हो सकता है, कोर आईसी रिलेटेड हो सकता है, आयो रिलेटेड नहीं हो सकता है, स्टॉक प्रॉब्लम आयो से नहीं होता है। ठीक है, तो स्टॉक अगर कभी भी होता है तो आप आयो पे जाके कुछ भी मत अप्लाई करो, आयो से नहीं होता है। और कुछ छोटा मोटा चीज़ की वजह से होता है वो अभी कहेंगे तो आप नहीं समझेंगे, अगर कुछ भी बोर्ड आता है कभी भी उस प्रॉब्लम के साथ तो वीडियो बना के हम डाल देंगे, तो आसान हो जाएगा, आपको याद भी रहेगा लाइफ टाइम। तो चलो ये तो ठंडा हो चुका है, हाँ ठंडा हो चुका है, तो अभी एक बार हम इसको चला के देखेंगे कि भाई ये जो आईसी है यही खराब है या फिर कुछ और है। तो अगर ठीक हो गया तो अच्छा, नहीं तो और भी मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर, आईसी ढूंढना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं एक बार सिंपली चलाता हूँ टिगर देके, और पावर दे दिया और टिगर दे रहा हूँ, ऑन हुआ, बीप दिया, डिस्प्ले आ चुका है। तो अभी देखते हैं आईसी का क्या फंडा है। नहीं, ये आईसी खराब है, ये आईसी खराब है। तो देखो बोर्ड में अभी डिस्प्ले है तो वो भी एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो लॉन्ग टाइम के लिए पॉज किया था, क्योंकि इसे साफ करने के बाद मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा, उसके बाद वैसे ही पॉज था वीडियो। तो ये देखो कीबोर्ड देख सकते हो इसका, मतलब कीबोर्ड जो मैंने लगाया है यूएसबी, ये देखो कीबोर्ड पे लाइन है, बीजीए पे भी लाइन है, पर ये जो आईसी है आप पास से और एक बार देख लो, ये सेम जो जैसा था वैसा ही हीटिंग इशू है। तो एक सेकेंड ब्लार को मैं ठीक कर लेता हूँ। ये देखो कितना तेज़ी से ये हीट हो रहा है, ये जो कंपोनेंट मतलब थिनर डाला मैं अभी ऑब्जर्व हो जाएगा, देखो ये होना चालू हो गया है, देखो हो जाएगा, अभी एक साइड हुआ, बीच में अभी सेंटर में हुआ, देखो ये गया अभी हो जाएगा, अभी पूरा जो है ये देखो धीरे धीरे हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से, ये देखो बस ये ऑब्जर्व पूरा कर लिया। तो बोर्ड में डिस्प्ले है पर आईसी जो है हीटिंग इशू जो हमारा था वही है, पर इस केस में अभी फुल वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता मैं, क्योंकि आईसी मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा जो केस स्टडी था आज का, तो मैं समझाना यही चाहता था कि अगर कैपेसिटर के रीज़न से आपका बोर्ड में स्टक हो रहा है तो 1 से 3 मिनट के अंदर होगा, अदरवाइज़ अगर 10 मिनट बाद जाके आपका बोर्ड स्टक हो रहा है तो आप कैपेसिटर पे सर्चिंग मत किया करो, कुछ और जगह से हो रहा है प्रॉब्लम। यही बस आज का टॉपिक था। और ये जो आईसी है ये एक ढूंढ के अगर नहीं मिलता है इसका आप, तो एक नया ऑर्डर कर देंगे 10-20 पीस। तो ठीक है, तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल, जय हिंद।